बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। नाज़रीन, इन वीडियोस के आगाज में सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और हमें अपने कमेंट्स में अपनी वीडियोस को लाइक करके शेयर करके अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहा करें, वो हमारे लिए बहुत ही। बात करते हैं एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत अहम बहस जारी है, सुर्ख बछड़े की कुर्बानी, रेड काउ या रेड हाइफर्ड की कुर्बानी इजरायली देने जा रहे हैं। ये है क्या, इसका इंपैक्ट क्या है और इससे होगा क्या, और क्या इससे पहले दी गई? तो ये कुर्बानी आज से पहले 9 मर्तबा दी जा चुकी है। सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये रेड काउ की कुर्बानी दी गई। ये ज्यूज के मुताबिक प्यूरिफिकेशन का अमल है, कुर्बानी दी जाती है और फिर उसके गोश्त को जलाकर राख बनाकर उसको प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा तारीख में हुआ कि उसके बाद बनी इसराइल जो है उसको अरूज हासिल हुआ। अब इस वक्त इंतहाई जुल्म हो रहा है गजा में, इंतहाई जुल्म हो रहा है फलस्तीन में और इंतहाई मुजरमाना खामोशी है मुसलमानों की सफों में। मुसलमान ये तो मैसेज कर देते हैं कि फलां चीज पढ़ें तो अबाबील आ जाएंगे, फलां चीज पढ़ें, और हर जंग अल्लाह ने लड़नी है कि मुसलमानों ने आप भी कुछ लड़ना है। मुसलमान जिसके बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। वो जो हमीयत थी, वो जो मिल्लत इस्लामी का जज्बा था, वो जो उम्मत मुस्लिमा की एक चमक थी, वो मांद पड़ चुकी है। इतने बच्चे कत्ल हो गए, इतनी ख्वातीन की इस्मत दरी की गई, इतना जुल्म किया गया, इतनी बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया, लोगों के पास लाशें दफनाने के लिए कफन नहीं है, जगह नहीं है कब्रें बनाने के लिए, लेकिन मुसलमान उम्मत और खास तौर पे मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान वो मुंह में घुघनियां डाल के बैठे हुए। मुसलमान बहैसियत मुस्लिम उम्मा इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट तो कर नहीं सके, जंग क्या करनी है। लेकिन हाँ, एक वक्त आएगा जब मुसलमान इकट्ठे होंगे और वो वक्त भी दूर नहीं, और वो वक्त भी दूर नहीं जब बैतुल मुकद्दस को नुकसान पहुंचेगा, वो वक्त भी दूर नहीं जब किबला अव्वल को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जब मस्जिद अक्सा की शहादत की तरफ कदम उठाया जाएगा, वो वक्त दूर नहीं है। उसी वक्त की प्लानिंग करने के लिए उसी थर्ड टेंपल की तामीर का आगाज करने के लिए ये रेड हाइफर की कुर्बानी दी जा रही है इजरायलियों की तरफ। उधर फुल इक्लिप्स होने जा रहा है, उधर ये कुर्बानी दी जा रही होगी। इसके लिए रिचुअल्स का आगाज हो चुका है, ऑलरेडी रिचुअल्स का आगाज हो चुका है। इस वक्त जितनी नेगेटिव ताकतें हैं वो मजबूत होती जा रही है। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, हमें याद नहीं रहता कि 4 ब्लड मून हुए थे इकट्ठे और उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज बहुत तेजी से शुरू हो गई थी। गरकत का दरख्त, जिसे सरकार सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का दरख्त करार दिया है, मिलियंस की तादाद में
फलस्तीन और इधर उधर सारे इलाकों में उसकी काश्त शुरू हुई जंगी बुनियादों पे। क्यों? लूमड़ियों के झुंड फलस्तीन में नजर आना यह भी निशानियों में से थी। वो पूरी हो गई, लूमड़ियों के झुंड ला ला के वहां बसाने शुरू कर दिए गए। क्यों? हमें जो है वो होश ही नहीं आ रही। हम लोग कहीं उस मलबे के तले दबे हुए हैं जो मिसाइलों ने और रॉकेट्स ने गजा के लोगों के जिस्मों के ऊपर गिराया है। वो मलबा शायद उसमें से तो उनकी जान चली गई और वो शहीद होके अमर हो गए। उस मलबे में कहीं उम्मत मुस्लिमा भी दब गई है, शायद सांस ले रही हो, शायद सांस ले रही हो। इस वक्त हम ये तो बात कर रहे हैं कि जी यहूदी ये करने जा रहे हैं, यहूदी ये करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बहसियत उम्मत, बहसियत कौम कहां खड़े? वो तो अपने एंटी क्राइस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो तो तैयारी कर रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट आएगा। क्राइस्ट ने और मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने भी तो आना है। हमने मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की क्या तैयारी की है? अगर मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जहूर फरमाते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब सब जंग करो, तो हम जंग कर सकते हैं। अगर मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जहूर फरमाते हैं तो हम क्या इस काबिल हैं कि उनका जो है वो उनका सामना कर सकेंगे, उनके सामने हाजिर हो सकेंगे? हमारे किरदार, हमारे वजूद, मेरे समेत सबके वजूद, क्या इस काबिल हैं कि मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सामना कर सकेंगे? ये वही जो है यह सुरख बछड़ी या सुरख गाय जिसका तذکرہ सूरह बकरा में भी मिलता है। कुछ किताबों में इसको जर्द और कुछ किताबों में इसको सुरख कहा गया, क्योंकि जिस तरह का रेड होता है उस तरह का जानवरों में रेड नहीं होता, ये ऑरेंजिश रेड होता है। ये येलो ऑरेंज की जो है वो एक शेप होती है, जिस तरह रेड काउज होती है, तो ये उस वो रेड शेप होती है। और वो जो रेड काओ है उसकी एनर्जी, वो उसका जिक्र जो है वो उसमें भी मिलता है सूरह बकरा में कि गाय को जिबा करो और उसके शाने की हड्डी मारो तो ये मुर्दा उठ के खुद बता देगा कि उसका कातिल कौन है। सूरह बकरा में ये वाकया मिलता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी। फिर जब मिस्र में अजाब आ रहा था तो हुक्म क्या हुआ था कि एक बछड़े को जिबा करो, उसका खून जो है वो अपने दरवाजों पे लगाओ। वो नहीं हुआ था। कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मुसलमानों से ज्यादा और कौन जानता है? अल्लाह की राह में जानवरों को कुर्बान करना और क्या है, लेकिन उस कुर्बानी को किसी खास रिचुअल के लिए इस्तेमाल करना वो अब होने जा रहा है और दुनिया में ये होता रहा है। गिनती 1 से लेकर 9 तक होती है, ये 9 मरतबा हो चुका, अब 10वीं मरतबा होगा, तो इट वुड बी अ न्यू बिगिनिंग, एक नया दौर खुलने जा रहा है नेगेटिविटी का। और ये वही दौर होगा जिसके बारे में सरकार खत्मी है मरतबा सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शदीद तरीन फितनों का दौर होगा, शदीद तरीन। तो जिसको सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तरीन फितनों का दौर कहें, उसमें क्या कुछ हो सकता है? कभी ये सोचिए हम कहां खड़े हैं, कभी ये सोचिएगा हमारी जिम्मेदारी क्या थी और हम कर क्या रहे हैं, कभी ये सोचिएगा। मेरा ख्याल है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर इससे ज्यादा क्या बात कर सकता हूं। बस नाजरीन अपने दिल से पूछें कि हम कहां खड़े हैं और हमें करना क्या चाहिए। ये रेड हाइफर के ऊपर हम इतनी हाइप तो क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन हम कहां खड़े हैं? जहां पे हमें हाइप क्रिएट करनी थी उसका क्या बना? इस पे भी जरूर सोचिएगा। मालिक आप सबको अपनी पनाह में रखे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।